अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद रज़ा। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं इस वक्त गुलबर्ग में हुसैन चौक के पास, उसके एग्जैक्टली थोड़ा सा आगे एक प्लाज़ा है आहद मार्केट। यहां पे मैं आया हूं, एक बहुत पुरानी दुकान है शवरमा और इस तरह की चीज़ें, लेबनीज शवरमा के नाम से। चल के देखते हैं, क्योंकि इस वक्त मेरे ख्याल से लाहौर में इन्होंने उस वक्त शवरमा स्टार्ट किया था जब इतना ज़्यादा शवरमा का ट्रेंड भी नहीं था, और यहाँ फिर ये था कि बिल्कुल उस वक्त नई नई ये चीज़ आई थी। तो चल के देखते हैं ये लोग शवरमा कैसे बनाते हैं, और इनसे बात भी करते हैं, और इनसे इनका जो शवरमा है वो टेस्टिंग भी करते हैं। तो चलें अंदर चलते हैं। काफ़ी ये जो प्लाज़ा है, शायद इसके नसीब कुछ इस तरह के हैं, काफ़ी ये डेड रहता है। बहुत सारे ब्रांड्स आए हैं यहाँ पे, बहुत सारे गए हैं, लेकिन सिर्फ बहुत अरसे से ये लोग अभी तक यहाँ पे बैठे हैं। बहुत अरसे से सिर्फ मुझे लगता है कि ये एक वाहिद ब्रांड है जो यहाँ पे अभी तक बैठा हुआ है, और उसकी एक सबसे बड़ी वजह इनकी कस्टमर की रिटेंशन है। क्योंकि जो यहाँ से एक दफ़ा शवरमा खा लेता है और वो उसके बाद दोबारा उसको शायद कहीं चला भी जाता हो, लेकिन उसने दोबारा वापस ज़रूर आना होता है। तो चले मैं अपना ऑर्डर भी प्लेस करता हूँ, और मैं साथ साथ बात भी करता हूँ ये कितना टाइम हो गया इसको, कब से ये लोग यहाँ पे शवरमा सर्व कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कहते हैं आपको तो सर ये ज़रा बताएँ कि कितना टाइम हो गया है इसको? ये 2001 में स्टार्ट हुआ। अच्छा, 2001 में जी, तकरीबन कोई इसका मतलब है कि 21 साल हो गए। 21 साल हो गए, तो 21 साल से मैं ही इधर। अच्छा, ओपनिंग मैंने ही करवाई। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो ये सारी रेसिपी वगैरह ये सब कुछ आप करें? मैं खुद ही करता हूँ। ठीक है, तो पहले तो आपका वो ग्रिल में सिस्टम होता था? होता था, मगर वो बाज कस्टमर लाइक नहीं करते। अच्छा, उसकी क्या वजह? हाँ, वो उसका हार्ड हो जाता है ना वो चिकन। ठीक है, थोड़ा सा उसमें आ जाता वो सख्त। ठीक है, जो कस्टमर कहते हैं जो आपका चल रहा है आप वही हमें चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए कस्टमर हमारा इसी चीज़ पे वो। हाँ, क्योंकि मुझे याद है पहले तो शुरू में आपने वो ग्रिल से ही स्टार्ट किया। शुरू में वैसे ही था, कैमल के भी राड लग रहे थे और चिकन के भी लग रहे थे। अभी इस वक्त आपके पास क्या क्या है? चिकन है, कैमल है, और क्या? ये समझो कि इस टाइम हमारे पास पूरा मेन्यू चल रहा है। अच्छा, ठीक है, राइट। इसमें आपके पास बीफ भी है, चिकन भी है? ये चिकन, कैमल, राइट, तीनों चीज़ें हैं। ठीक ठीक ठीक। तो सबसे ज़्यादा कस्टमर किसका है इसमें? इस वक्त जो हमारा कस्टमर चल रहा है वो डिलक्स पे चल रहा है। डिलक्स पे चल रहा है, इसमें ओलिव, मशरूम भी चीज़ है। अच्छा, ये प्लेटर है आपका डिलक्स के नाम? प्लेटर भी है, शॉर्मा भी, दोनों शॉर्मा भी है। तो चले मेरे लिए एक आप वो चिकन चीज़ प्लेटर लगाएं जो आप मेरे लिए लगाते होते हैं। तो फिर देखते हैं, मैं अपने व्यूअर्स को भी बताता हूँ। चिली सॉस है हमारी अपनी, ये हॉट सॉस है, ये गार्लिक सॉस, ये आदम की चीज़। हमने तीन चीज़ें ऐड कर दी, प्लेटर लगाते हैं। देखिए जी, उनका खुद देख सकते हैं कि मैंने चिकन चीज़ प्लेटर ऑर्डर किया है, और इसमें आप चेक कर सकते हैं कि चीज़ की क्वांटिटी आप चेक कर लें, प्लस इन्होंने जो सॉस डाली है इसके अंदर, चिली सॉस जो है वो इनकी अपनी प्रिपेयर की हुई सॉस है। प्लेटर का सेटअप है, और ये देखिए गार्लिक सॉस, चिली सॉस, सैल्ट और पिकल्स। ओके, जो सही लेबनीज के पिकल्स हैं ये। राइट, ये सारी जो इन्होंने ऐड की थी चीज़ें, ये इन्होंने इसको प्रॉपरली मिक्स कर दिया है अच्छी तरह तक, चीज़ एक एक ऐश कर रहे हैं अच्छे तरीके से। सारी चीज़ें मिक्स की जा रही हैं। सारी मिक्स हो गई हैं, अभी सारा इसको घी दे रहे हैं ताकि, और ये साथ में ये देखिएगा कि ब्रेड प्रॉपरली ब्राउन
प्रॉब्लम हो रही है। चले मैं जी बैठता हूँ, मेरे साथ से ये रेडी हो गया है मेरा शवरमा चीज़ शवरमा प्लेटर, तो मैं टेबल पे आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। ये लीजिए हमारा ऑर्डर आ गया है, ये देखिए जी, दिस इज़ द फुल चिकन चीज़ प्लेटर। ये इनकी रेड सॉस है, ये अपनी खुद प्रिपेयर करते हैं, और ये इनका गार्लिक चीज़ गार्लिक मायो है, ये भी खुद बनाते हैं आप, है ना। और दैट्स द बेसिकली द थिंग। चलो जी अब इसको टेस्ट करके देखते हैं। ये देखिए जी, ये है जी ब्रेड, गर्मा गर्म ब्रेड है, काफ़ी गर्म ब्रेड है। और ये मैं ज़रा इस साइड पे कर लूँ, बिकॉज यहाँ पे शेडो आ रहा है लाइट का। तो ये देखिए जी, ये हमारा जी चिकन, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अमेजिंग बाइट्स देखें, चंक्स देखें, चिकन के चंक्स, कोई कीमा नहीं बना हुआ चिकन का। तो बिस्मिल्लाह रहमान, हाँ एक जो चीज़ मैंने नोटिस की है, मैंने डिफरेंट जगहों पे और भी ये प्लेटर टेस्ट किया है, खाया है, लेकिन जो चीज़ का फ्लेवर इनके चीज़ प्लेटर में आ रहा होता है ना, वो कहीं और मैंने नहीं देखा। तो अब ये जो इनकी रेड सॉस है, ये रेड सॉस, और इसके साथ जो मज़ा आता है वो बहुत ज़बरदस्त है। ओहो माशाल्लाह, जो फील है जो स्पाइस का, आप जो देख रहे होंगे मिर्चें, और प्रॉपर आपके जो मिर्चों का जो इन्हांस टेस्ट होता है, और उसके साथ आप जब ये खाते हैं, और अभी जो जो इनके शवरमे को जो चीज़ मुनफरद बनाती है ना, वो मुझे लगता है मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, वो इनकी ये वाली सॉस है, ये वाइट सॉस, गार्लिक सॉस जो है। और ये शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि मैं यहाँ पर आया हूँ, मैंने ये प्लेटर लिया हो और मुझे वो टेस्ट चेंज लगा हो, इनका सेम टेस्ट होता है। और इसी वजह से आप इनसे पूछ भी सकते हैं, मैं इनका रेगुलर कस्टमर हूँ, और भी बहुत सारे दोस्त आते हैं, और हम यहाँ पर आके जो हमारी बेस्ट चीज़ है, और भी इनके पास वैरायटी है, मैं आपको अभी मेन्यू भी आपने देखा होगा, इसमें ये बीफ में भी करते हैं, कैमल में भी है, इनका डिलेक्स प्लेटर भी है जिसमें ऑले मशरूम्स और ये वो सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो ये चीज़ है ये स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड है। आप आएँ इस जगह पर और आप ये चीज़ प्लेटर खाएँ, आपको डेफिनेटली मज़ा आएगा। तो अब मैं ज़रा अपना चीज़ प्लेटर ख़त्म कर लूँ, और उसके बाद हम ओवरऑल बात करते हैं इन जनरल। वहाँ से मैं बाहर आ चुका हूँ, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट, अमेजिंग। आपको मैं भी रिकमेंड करूँगा कि आप भी आएँ। लोकेशन मैं आपको एक दफ़ा बता देता हूँ, अगर आप हुसैन चौक से आ रहे हैं, हुसैन चौक से आपके ये लेफ़्ट साइड पे आएगा प्लाज़ा, और अगर आप लिबर्टी से आ रहे हैं इस साइड से, तो आपने वहाँ से आगे से यू टर्न लेकर इस साइड पर आना है। तो ये थी जनाब मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। काइंडली अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में मैं दोबारा हाज़िर हूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।